अपनी जगह से टूटने के कारण से बाद में वो सड़ने लग जाती हैं। सड़ने के कारण से उनका कलर जो है दांत का, अगर हम पास से उसको देखेंगे तो आइडियली तो उसको आपको जब आपके ऐसे ट्रॉमा हो तो आपको डेंटल सर्जन के पास जाकर दिखाना चाहिए। तो वो वॉच में रखता है आपको, कुछ मंथ्स में या कुछ हफ्तों के इंटरवल्स में आपको बुलाता है, या अगर आपको स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर लेता है तो उस कंडीशन में वो आपको उसको रिमूव करता है, उसके जो पस है, उसका जो पड़ने वाला पस है उसको हटाएगा और उसको क्लीन करना शुरू करता है। उसको RCT बोलते हैं। RCT के बाद उसको सीलिंग करता है एंड उसके बाद उसके ऊपर फिलिंग कर देता है, उसके बाद उसके अंदर एक कैप चढ़ा देता है। बट अगर ये टाइमली ना डिटेक्ट हो पाए या पेशेंट समय से ना पहुँचे तो वो जो आपका इन्फेक्शन है वो अंदर ही अंदर सड़ता है, क्योंकि आपने उसका ट्रीटमेंट तो कराया ही नहीं है। तो जो आपकी जो पल्प कैनाल है उसके अंदर जो आपका नर्व है और ब्लड वेसल्स हैं वो ट्रॉमा के कारण टूट जाती हैं और वो सड़ने लगती हैं। तो उनका कलर जो होता है बेसिकली ब्लैक होने लगता है, और वो कलर आपका जो बाहर की तरफ से दांत की परत से अपन देखते हैं तो पीला, भूरा या काला रंग का, वो टाइम के अकॉर्डिंग, कितना लेट हम लोग डॉक्टर के पास पहुँच रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो कलर चेंज करता जाता है। कलर चेंज करने के कारण से वो आपका दांत आपको दूर से ही हाईलाइट होने लगता है और दिखने लगता है। तो उस कंडीशन के लिए भी आप क्या करें, उसको जितना जल्दी हो सके आप डॉक्टर के पास पहुँचें। वो पस को आपके ड्रेन करेगा और उसको पहले एक्सरे करेंगे, एक्सरे करने के बाद पस को ड्रेन करेंगे अगर ज़रूरत लगती है उनको, और उसको क्लीन करेंगे और उसके बाद उसको सील वगैरह कर अपना आपका दांत उसको पूरा ठीक करेंगे। इसके ऊपर एक चीज़, आज ही मेरे एक पेशेंट थे तो उनके संग यही सेम प्रॉब्लम थी, तो उनके रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी हो रखा था। बट दो चीज़ें होती हैं, कई बार क्या होता है पेशेंट का पेन खत्म हो जाता है तो पेशेंट ट्रीटमेंट आधा छोड़ देता है। बट मैं आपको एक सही सजेशन दूंगी कि उसमें कभी भी आधा ट्रीटमेंट नहीं छोड़ना चाहिए, बेसिकली डॉक्टर की पूरी चीज़ सुननी चाहिए। रूट केनाल को पूरा करने के बाद उसके ऊपर कवर जरूर चढ़ाएं जिससे कि वो पूरा मजबूती से स्ट्रेंथ ले सके अपने दांत की, और अच्छी तरह से वो दांत की फिलिंग्स, क्योंकि कभी कभी ट्रॉमा लगने से डिटैच हो सकती हैं, टूट सकती हैं या गल सकती है। अगर आपका ऊपर की फिलिंग निकल गई है तो वो अंदर का पार्ट डिजॉल्व हो जाता है तो इन्फेक्शन के दोबारा जाने के चांसेस होते हैं, और वो अब सीधा इन्फेक्शन आपके बोन में जाकर ही रुकता है, क्योंकि अंदर आपकी कैनाल पूरी निकल चुकी है तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि दांत में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि दांत आपका डेड हो चुका है। बट अब आपको हड्डी में इन्फेक्शन के आदि आपको मालूम पड़ेगा जब आपको पेन होगा बेसिकली, और हर बार कई बार पेशेंट नहीं फील कर पाता है उस पेन को, तो काफ़ी लेट होने के बाद जब आसपास के और दांतों में भी उसको प्रॉब्लम आने लगती है तब पेशेंट फील करता है कि उसको तकलीफ है। तो बेसिकली इसीलिए एक टाइम से जैसे ही आपको कोई ट्रॉमा हो तो आप पेशेंट के पास पहुँचे, क्योंकि आज मेरे पास जो पेशेंट आए थे उन्होंने आधा ट्रीटमेंट कराया था, आधा ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने उसके ऊपर कवर नहीं चढ़ाया तो उसका जो मटीरियल था वो नीचे से डिजॉल्व हो गया और वो ऊपर तक इन्फेक्शन उसका चला गया, साथ साथ उसकी जो जड़ थी वो आधी टूट गई। तो फिर उसके बाद हमने उसके अंदर एक मटेरियल डालकर उसको सील किया, हालांकि, और क्योंकि बच्ची छोटी थी, 12 साल की बच्ची थी, और अभी ऐसी कंडीशन नहीं है कि उसके दांत को हम रिमूव करें, क्योंकि लास्ट दी एंड तो रिमूव ही करना है। बट अगर इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम कंट्रोल करने की क्योंकि कोशिश करते हैं, क्योंकि इस समय पर हम रिमूव करके कोई एक नया दांत नहीं लगाते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर हम बेस्ट ऑप्शन पे जाएं तो इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट 18 साल से पहले हम लोग इंडिकेट नहीं करते हैं पेशेंट को, या पेशेंट की ग्रोथ 17-18 साल या 16 साल में अगर पूरी 100% हो चुकी हो तब इंडिकेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ग्रोथ पूरी नहीं हुई है पेशेंट की तो हम लोग उसको एडवाइस नहीं करते हैं पेशेंट को। तो उस कंडीशन में पेशेंट को हमें लगता है कि 12 साल की उम्र में उस पेशेंट को थोड़ा समय तक और चलाना चाहिए, तो हमने कुछ हेल्दी दवाइयाँ लगाई उस पर, कोशिश करते हैं कि अगर बच जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट हर बार ये नहीं हो सकता कि 100% हर चीज़ को हम बचा सकें। तो जितना स्टार्टिंग में हम ट्रीटमेंट के लिए प्लान करते हैं और जितना स्टार्टिंग में हम ट्रीटमेंट को कंप्लीट कराते हैं और डॉक्टर की एडवाइस भी हम ठीक से सुने, अगर आपको एक डॉक्टर की चीज़ नहीं समझ में आती है तो दूसरे डॉक्टर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेटर अभी ही है बात के लिए, फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और फिर आपको एक तो हैवी एक्सपेंडिचर होता है और ट्रीटमेंट के टाइम पीरियड और ट्रीटमेंट के तरीके भी चेंज करने पड़ते हैं फिर डॉक्टर को, फिर मजबूरी के ट्रीटमेंट्स होते हैं बेसिकली।